नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या, अरे तुमने क्या किया मोदी जी। केंद्र में जो सरकार बैठी है ये बीजेपी नहीं है, ये लुटेरों की सरकार है। इनको तो बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मोदी जी थोड़ी भी अगर शर्म बची हो तो कृपया करके इस्तीफा दे दीजिए, वरना आपने तो कहा था झोला लेके आया हूँ तो झोला भर तो गया, भाग ना जाए आप यहाँ से। कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को अगर गद्दी से खींच करके कोई उतार सकता है, देश की महिलाएं है वो नचनिया कहां गई, वो नचनिया 440 में नाच नाचती थी, चूड़ियां बेचने का काम करती थी, जो हमारी स्मृति ईरानी जी थी वो एक कमरे के अंदर कैद हो गई, अब कहां छुप गई। वो इतनी बेशरम है, इनका कोई सम्मान नहीं हो सकता, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिवा बंद करके। वो मैडम जो है वो खुद सबसे बड़ी मीडिया की सबसे बड़ी दलाल है। मैं मेरे शब्दों में क्लियर आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, मैडम सबसे बड़ी दलाल, दलाल है सारी मीडिया। सर कम से कम आप सवाल तो ले रहे हैं, वो तो सिर्फ मनचाहे सवाल भी पूछ रहे हैं ना। आप मुझे बताइए जीडीपी पे बात क्यों नहीं होती है। LIC को पूरी तरीके से लूट लिया SBI ने, तो श्रीलंका से बुरे हालात इंडिया के हो जाएंगे। आप इस पे चर्चा क्यों नहीं करते। BBC ने गोदड़ा कांड के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको क्यों बैन किया गया इंडिया में, आप क्यों बैन किए गया उस मूवी को, क्यों आप कश्मीर फाइल्स दिखा सकते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री तुच्छ सी फिल्म पे आकर के कमेंट करता है, देश में 750 किसान ने अपनी जाने दे दी, आपने उनको खालिस्तान से जोड़ दिया। संवेदना के 750 शब्द नहीं बोले आपने, ये कैसा प्रधानमंत्री है। 56 इंच का सीना, उधर से अमित शाह बोलते हैं शाहीन बाग में बैठी हुई महिलाओं को करंट लगना चाहिए, इतनी जोर से EVM बटन दबा, ये भाषा का उपयोग हम देश को क्या बताएंगे। हमारे देश के गृह मंत्री तड़ी पार थे, ये हमारे देश का इतिहास है। झूठा धंका है, 2024 में महिलाएं दिखा देंगी, मौलाएं लाई है ना, महिला उखाड़ फेंकेंगी। नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े झूठे हैं, सिर्फ देश को लड़ाने का काम करते हैं, और वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं देश का हिंदू हूँ। अगर नरेंद्र मोदी देश का हिंदू है तो हिंदू धर्म में अपने माँ के मरने पे वो मुंडन नहीं करता है, वो क्रियाकर्म नहीं करता, तो ऐसा आदमी हिंदू नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मैं जिस क्षेत्र आपसे आती हूँ, मैं चाइना के बॉर्डर से, आधा चाइना बॉर्डर से, आधा नेपाल में, मैं धारचूला से आती हूँ जो उत्तराखंड का सबसे लास्ट तहसील, लास्ट ब्लॉक है, और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जो हमारे धारचूला में आपदा आती है पूरा वो आपदा से 600 परिवार वहाँ पे जमींदोज हो गए, और वहाँ पे कितने लोग मर गए, और वहाँ से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करता है, हवाई सर्वे करके क्या वहाँ पर के पुनर्वासों को 6 महीने से आज जिस तरीके से एक कमरे में 50 देशों को मदद पहुंचा रहे, उस जिस तरीके से अपने दोस्तों को अडानी अंबानी को सहयोग पहुंचाते हैं, ऐसे झूठे और ऐसे निर्लज प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें दूसरे देशों को सहयोग नहीं, अपने बॉर्डर एरिया के लोगों को देखो।